हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका जेएस नरू का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक वीआईपी नंबर की सिम किस तरीके से खरीद सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एक नई सिम लेने की सोच रहे हैं तो किस तरीके से आप एक वीआईपी नंबर ले सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप एक वीआईपी नंबर की सिम को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि मेरे पास ये दूसरा फोन है तो इसके अंदर मैं यहाँ पे जियो ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है, माई जियो ऐप। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद माई जियो ऐप है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, वीआईपी नंबर लेने के लिए, ठीक है। कोई भी फैमिली मेंबर किसी के भी फोन के अंदर आपको ये कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो प्ले स्टोर है उसके अंदर माई जियो ऐप है, इसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको ओपन करके बता देता हूं कि किस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओपन कर देना है इसको, और ओपन करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना, ऊपर ही ऊपर सर्च का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको लिख देना बाय जियो वीआईपी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे, या फिर आप वीआईपी नंबर भी लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन। तो बाय जियो वीआईपी नंबर ऊपर ही ऊपर आ चुका है, और मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है चॉइस नंबर, ठीक है, यानी कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से नंबर लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। नई सिम भी आप ऑर्डर कर सकते हैं इससे, यदि आपको नई सिम लेनी है तो, और नंबर कोई स्पेशल नहीं लेना है तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या वीआईपी नंबर बता रहा हूँ, तो हम वीआईपी नंबर के लिए क्या करना है आपको, अब इसको स्क्रॉल कर देना है। चॉइस नंबर पे क्लिक किया, फिर इसको यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पे देखो एक चीज आपको दिखेगी, सर्च फॉर ए मोबाइल नंबर विद योर एनिवर्सरी डेट, यानी कि आप एनिवर्सरी डेट है या फिर बर्थडे डेट है या फिर कोई भी डेट हो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर कोई मतलब कुछ भी आपका स्पेशल डे है, तो उस हिसाब से आप मोबाइल नंबर को कस्टमाइज कर सकते हैं। चार डिजिट है जो लास्ट वाले, आप उनको आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी, जो भी आपके फेवरेट है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा 1995 का बर्थ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फाइंड नंबर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मेरा नाम आ गया जितेंद्र सिंह 1995, और यहाँ पे मैं पिन कोड भी डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पिन कोड डाल देता हूँ 30 20 31, ठीक है। अब यहाँ पे शो अवेलेबल नंबर्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक अवेलेबल है नंबर, जो अब मैं चाहूं तो इसे ऑर्डर कर सकता हूँ, ये सिम ऑर्डर हो जाएगी मेरे नाम से, ठीक है। तो अब, या फिर आप है ना यहाँ पे कोई और, जैसे मान लो काफी सारे लोग हैं जो 1 2 3 4 चाहिए आपको, 2 3 4 5 चाहिए, तो इस तरीके से भी आप नंबर को ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे नंबर है, 2 3 4 2 3 4 सबके लास्ट में है, ठीक है। आप यानी कि 4 डिजिट है उनको आप लास्ट वाले, उनको आप मतलब वो कर सकते हो, और आपके हिसाब से इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसके अंदर से आप यहाँ पे पसंद के हिसाब से नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ भी आप मतलब नंबर, जैसे कि 1996 है किसी का, तो मैं 1996 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे भी नंबर आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काफी सारे नंबर के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इस तरीके से आप एक वीआईपी नंबर आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे, मेरे को लास्ट में 7 चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7 डाल देता हूँ। देखो 77 वाली सीरीज आ गई है, ठीक है, यानी कि इनके लास्ट में 77 है, 44 है, ऐसे इस तरीके से जो भी अवेलेबल होंगे आपके एरिया के हिसाब से वो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो सिम की कॉस्ट है ना बिल्कुल फ्री है, सिम के पैसे नहीं है, लेकिन जो आप वीआईपी नंबर ले रहे हो उसके पैसे लगते हैं 499, यानी कि 500 रुपए के समथिंग आपके रुपए लगते हैं यहाँ पे। और आप जैसे पे करेंगे आपको एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा, और उसके बाद में आपका जो है आपके घर पे सिम डिलीवर हो जाएगी, ठीक है, या फिर आप जियो स्टोर पर जाकर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, तो वीडियो को इससे जानकारी मिली, और आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।